दोस्तों टाटा पावर पे एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, मोस्ट अवेटेड अपडेट आ रहा है। और ये अपडेट देखिएगा, आपको दिमाग में रखना है अगर आपने कैश में टाटा पावर का स्टॉक होल्ड करके बैठे हैं। लाइक अगर आपने टाटा का पावर का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा देखिएगा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एक अनाउंसमेंट और भी कर देता हूं कि अगर आप चाहते हैं लाइक बहुत ही अच्छी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक, लाइक आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के चेकआउट करिएगा, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के देखिएगा स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबल रिजल्ट आ चुके हैं। और आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त ग्रोथ आई है और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का आगे का मोमेंटम रहने वाला है। जस्ट देखिएगा गवर्नमेंट का लिटिल बिट सपोर्ट और इस तरीके का देखिएगा प्रॉफिट आया है। आप देख सकते हो जो प्रॉफिट में देखिएगा जो तेजी आई है वो 4584 देखिएगा 4584% की देखिएगा तेजी आई है। इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है, जस्ट देखिएगा पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, इंडिया फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, और टाटा पावर से बेटर स्टॉक नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अभी भी ये पर्टिकुलर जिस तरीके की कंपनी है उस तरीके से अंडर वैल्यूड मानी जाएगी, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और जिस तरीके से देखिएगा इनके रिन्यूएबल एनर्जी ने देखिएगा जो रिजल्ट दिए हैं वो एकदम देखिएगा शॉकिंग है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर वर्किंग करते रहेंगे तो आगे चल के आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे स्टैंड अलोन प्रॉफिट आ चुके हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के 2022 मार्च के देखिएगा लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और शानदार आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसमें मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूँ। जो सेल में राइज हुआ है वो 72% का हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर आप चेकआउट करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इंक्रीमेंट है ये केवल सपोर्ट मिला है, जो वन ईयर कॉन्टिन्यू सपोर्ट मिला है वर्ल्ड ने, और देखिएगा पर्टिकुलर इंडिया ने जब नीड समझी है रिन्यूएबल एनर्जी की तब आपको इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है इनकी बैलेंस शीट में। तो आगे चल के अभी तो देखिएगा जरा सा भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, आगे चल के कितना बड़ा मैच्योर मार्केट आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा अपकमिंग क्वार्टर के रिजल्ट के बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो शानदार, जहां पे देखिएगा 2 करोड़ थे 2021 मार्च में, यानी कि मार्च 2021 में जो 2 करोड़ के आसपास थे वो हो गए हैं 130 करोड़। तो आप समझ ही सकते हैं किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया है, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया है और ऑन द ग्राउंड वर्किंग चल रही है। लाइक देखिएगा हम लोग कहते नहीं है कि ये ऑर्डर मिल रहा है, ये देखिएगा हो रहा है, यूके में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडिया में इतना रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आउटकम देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में जो प्रॉफिट का आउटकम है एक साल में देखिएगा 4500% का अगर इंक्रीमेंट है तो आप समझ ही सकते हो कितना शानदार ये इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर आप सेल की बात करोगे तो सेल में भी जबरदस्त ग्रोथ आई है और ये कहीं से भी देखेगा विंडो ड्रेसिंग के प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट प्रॉफिट है, बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग करी है। जो सेल आपकी देखिएगा 282 CR के आसपास थी, जो सेल आपकी 282 CR के आसपास थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो आपकी बढ़कर हो गई 488 CR के आसपास। तो ये एक तरीके से देखिएगा बैलेंस शीट को क्या कर रहे हैं, वाइड कर रहे हैं, बैलेंस शीट को बड़ा कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे इनकी बैलेंस शीट काफ़ी एक्सपैंड हो रही है, और अगर आप देखेंगे द फुल ईयर नेट प्रॉफिट देखिएगा जो बढ़ा है वो 1400% से बढ़ा है। अगर पूरे साल का प्रॉफिट देखेंगे तो पिछली बार था 12 करोड़ के आसपास और अब हो गया वो 188 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट में काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है और आप देख सकते हैं सेल्स में भी ओवरऑल अगर आप सेल्स देखेंगे तो काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जस्ट देखिएगा एक सेगमेंट है टाटा पावर का जहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। टाटा पावर में अगर बात करेंगे तो इस समय वॉल्यूम का एक इशू चल रहा है, इसीलिए स्टॉक में बड़े मोमेंटम नहीं आ रहे हैं, लेकिन बड़े मोमेंटम कब आ सकते हैं ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपका है देखिएगा जब इनके रिजल्ट आने वाले हैं। अगर इनके सेगमेंट अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो ओवरऑल देखिएगा जो कंपनी है टाटा पावर उसके रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं, और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इससे अच्छी बात टाटा पावर के लिए तो नहीं हो सकती।
आप समझ सकते हो टाटा पावर के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अगर उनके देखिएगा छोटे छोटे सेगमेंट इस तरीके के देखिएगा नेट प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ओवरऑल जो कंसोलिडेट देखिएगा नेट प्रॉफिट है वो किस तरीके के आएंगे वो 6 मई को पता चलेंगे। और 6 मई को अगर यहाँ पे शानदार रिजल्ट देखने को मिले तो आपको रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। और ऑलरेडी देखिएगा कंपनी लगातार रिटर्न बना भी रही है, ऐसा नहीं कंपनी रिटर्न नहीं बना रही, कंपनी कॉन्टिन्यू रिटर्न बना रही है। पहले 220 से 240 का बेस बना रही थी, फिर 280 से 240 के बीच का बेस बनाना शुरू कर दिया है स्टॉक ने, तो वही चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पिछली बार थे काफ़ी अच्छे रेवेन्यू आपको देखने को मिले थे, काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिला था। रेवेन्यू अगर कॉन्टिन्यू अप होते रहते हैं, नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता रहता है, लगातार मार्जिन बढ़ते रहते हैं, नई ऑर्डर बुक क्रिएट होती रहती है, सपोर्टिव सिस्टम बना रहता है गवर्नमेंट के साथ साथ, तो ये आगे चल के स्टॉक देखेगा आपको बहुत बड़े वैल्यूएशन देने वाला है। क्योंकि 2024 तक माना जा रहा है कि टाटा की कई सारी कंपनियां अपने डेप्ट को कम करके उन्हें जीरो डेप्ट भी करने की कोशिश करेंगी, तो ये सब चीज़ें देखिएगा काफ़ी अच्छी हैं स्टॉक के लिए। तो टाटा पावर का स्टॉक अगर आप देखिए आपके पास है तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखें, गिरावट हो अप जाए डजेंट मैटर, थोड़ा सा पेशेंस रखें, देन आफ्टर दैट यू विल गेट द रिटर्न। और ऐसा आपको 200 पे भी बताया गया था, ऐसा आपको 150 पे बताया गया था, ऐसा आपको 100 पे भी बताया गया था, ऐसा आपको देखिएगा 280 पे भी बताया जाता है। तो इसीलिए फोकस्ड रहें, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फर्दर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।